सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हम देखने वाले हैं दशहरा। दशहरा हिंदू उत्सव में बहुत ही खुशहाल तरीके से और उत्सव से मनाया जाता है। और दशहरा में हम रावण का दहन करते हैं, क्योंकि इस दिन श्री राम जी ने सीता मैया को बचाया था, रावण के चंगुल से छुड़ाया था और रावण का वध किया था। तो आइए हम आपको दिखाते हैं रावण यहाँ का। तो चलिए चलते हैं। तो ये है यहाँ का रावण, जो कि बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और इसका दहन आज रात को रात्रि 9 बजे तक हो जाएगा। तो आप कृपया इसे देखने ज़रूर आइएगा। और इसी उम्मीद के साथ हम ब्लॉग को आगे बढ़ाते हुए, सो हे गाइस, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सूरज हमारे पीछे, सूरज उग चुका है और लाइट एकदम फेस पे पड़ रही है। तो हो सकता है मेरा फेस थोड़ा ज़्यादा ही ब्राइटन दिखाई दे रहा हो, और ब्लॉगिंग में काफ़ी आ रहा है मज़ा, तो मैंने सोचा आपको ये भी दिखाई दिया जाए। देखिए यहाँ पे लोग आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोग तैयारी कर रहे हैं अपने स्टॉल्स लगाने की। और शाम को यहाँ पे होगा, स्टॉल्स लगाए जाएंगे और यहाँ पे शाम को दशहरा मनाया जाएगा। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा दशहरा इस बार। तो दोस्त, आप भी आइएगा दशहरा मैदान देखने, दशहरा रावण को जलते हुए देखने के लिए आप भी जरूर आइएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग हम मौज मस्ती के साथ रावण का दहन करेंगे। तो व्लॉग को यहाँ पे करते हैं खत्म और चलते हैं घर। इन हरी हरी वादियों के बीच ये बना हुआ रावण इतना शोभादायक दिख रहा है। हमेशा अपने प्रकृति को हरा भरा रखने के लिए हमें प्लास्टिक मुक्त एक नेचर को बनाना होगा। प्लास्टिक को कम से कम इस्तेमाल करने की हमें एक प्रयास करना होगा। और तो और हमें पानी भी बचाना होगा, ताकि जिंदगियां बच सके। प्लास्टिक को अवॉइड कीजिए और पानी ज़रूर पीजिए। धन्यवाद। तो आज का ब्लॉग यहीं करते हैं ख़त्म। तो चलिए चलते हैं फिर।